खत्म करना है। मैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन तो मेरा हम उम्र है, मेरे साथ का है, मैं उससे एक सवाल करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी, तुम बड़ी मिल्लत की बात कर रहे हो, इत्तेहाद की बात कर रहे हो, तुम वफ किए लाखों करोड़ रुपए के औकाफ की जायदाद लूटने वाले का कौन जिम्मेदार है? वक्फ बोर्ड में एमपी मेंबर है, एमएलए मेंबर है, फिर हमारा इतना लाखों करोड़ रुपए का नुकसान। अरे भाई, घर का चबूतरे पे कोई कब्जा करा आके बैठा तो बैठने नहीं देते। ये यतीम यसीरों की, ये मिस्किनों की, मजलूमों की जायदाद को लूटा जा रहा, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। बड़ी इत्तेहाद की बात करते हैं। मैं एक बात और तकरीर ख़त्म, तकरीर ख़त्म। आपके घर पे आए, कल यहाँ जलसा करे, तो कोई तो अहले ईमान मुसलमान उठो और ये पूछो कि दारुस्सलाम किसकी विरसा है? ये कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंगल रहमा की निशानी है। ये दारुस्सलाम लाखों रजाकारों ने जो जाम शहादत पिया था पुलिस एक्शन में, ये उनकी कुर्बानियों की निशानी का नाम दारुस्सलाम है। ये किसी की मौरसी जजात और ख़ानदानी जजात नहीं। आज दारुस्सलाम बैंक एक सूती इदारा, आज मुसलमानों का 80% सोना कहीं गिरवी है तो दारुस्सलाम बैंक में है। कल अगर ईमान है तुम में, मुसलमानों से हमदर्दी है, आज बेरोज़गारी का सर्वे है कि पुराने शहर में 80% नौजवान बेरोज़गार है। आज बेरोज़गारी का यह हाल है कि आखिर में जोमैटो या कहीं जाना और काम करना ठीक है। मैं असदुद्दीन को चैलेंज कर रहा हूँ कि दारुस्सलाम बैंक को आप इस्लामिक बैंक बनाओ और गरीब मुसलमान मुस्तहक बच्चों को बिला सूदी खर्जेजात देके उनको रोज़गार से लगाने का वादा करो। ठीक है, फिर बात करने के लिए तैयार है। दारुस्सलाम अगर इस्लामिक बैंक में ही बनेगा, महेश बैंक की तरह, विजय बैंक की तरह मुसलमानों को लूटेगा और फिर कहेंगे कि ये मिल्लत की खिदमत है, तो आप खुद गौर कीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि दारुस्सलाम एक इस्लामिक बैंक बने, बिला सूदी खर्चे नौजवानों को दे, बिला सूदी खर्चे मुसलमानों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए दिया जाए? वक्त ख़त्म हो रहा, इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह तालाब कट्टा नशेमन नगर में एक जलसे आम है, कल डट के गुफ्तगू करूँगा, कल जम के आइए तालाब कट्टा, बहुत तफसील से बात करूंगा और इनका पूरा पोस्टमार्टम कल तालाब कट्टा नशेमन नगर में अभी बाकी है, आज कल मुकम्मिल करूंगा।